टाइम्स निरोड़ा में शहीद भगत सिंह सेना ने देश की आजादी के लिए फांसी पर चढ़ने वाले शहीद सुखदेव के जन्मदिन पर केक काटकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। शहीद भगत सिंह सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय ने छोटे छोटे बच्चों को राष्ट्रीय हित की बातें बताई और देश के लिए किए गए सुखदेव के बलिदान को याद किया गया। सर आपका नाम? मेरा नाम है विनय, शहीद भगत सिंह सेना से। आज का जो आपने फंक्शन रखा हुआ है किसके ऊपर रखा हुआ है? आज जो फंक्शन रखा है वो है सुखदेव जी, शहीद सुखदेव जी का जो है आज जन्मदिवस है। 15 मई 1907 को शहीद भगत सिंह जी के एक प्रिय मित्र या यूँ कहें कि उनके राइट हैंड सुखदेव जी का जो है आज जन्मदिवस है, तो हमने उनका जो जन्मदिन मनाया है वो इसलिए मनाया है ताकि हम चाहते हैं कि जितने भी शहीद हुए हैं वो अमर हैं, जैसे कि आप जानते हैं, तो उनका जो है ज्यादा से ज्यादा लोगों को जो है जन्मदिवस मनाना चाहिए। शहीद भगत सिंह सामाजिक क्षेत्र में और क्या क्या कार्य कर रही है? शहीद भगत सिंह सेना सामाजिक कार्य इस तरीके से हैं कि सुबह सुबह जो है फिजिकल फिटनेस हो, या फिर स्वास्थ्य के लिए मेडिकल हेल्थ कैंप लगवाना हो, या ब्लड डोनेशन कैंप लगवाना हो, या फिर जो है हमारा जो विशेष करके जिस पे शहीद भगत सिंह सेना पिछले निरंतर 2.5 साल से कार्य कर रही है वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा उठाए गए स्वच्छता को विशेष मुद्दा रखते हुए शहीद भगत सिंह सेना कार्य कर रही है। मगर अभी शहीद भगत सिंह सेना ने एक विशेष करके अपना मेन काम लिया है, वह है सर्व जाति एकता को एक करना। सर आपको सर्व जाति एकता पंचायत में कब तक कामयाबी मिली? सर्व जाति एकता पंचायत में इस तरीके से हमें कामयाबी मिली है कि ज्यादातर लोगों का यही कहना है कि इससे भीषण समस्या कोई है नहीं। अगर जातिवाद में इसी तरीके से बढ़ते रहे तो हम राष्ट्र को एक गड्ढे की तरफ ले जाएंगे जहाँ पर हम सभी की मृत्यु संभव ही हमें नजर आ रही है, जिसके लिए हम चाहते हैं कि वो जातिवाद को खत्म किया जाए। चलो भाई लाओ थोड़ा सा ना विनय जी, आप एक इस तरफ आ जाओ और ये इधर आ जाएंगे पूरा तरीके से। आदर है समझ में एक सारे तुम इधर हो जाओ इधर पीछे हो जाओ उधर देखो बाबू उधर ताजा खबरों के लिए सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन को दबाइए और भी सारा टाइम की सारी नोटिफिकेशन पाइए।